मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 29 जुलाई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रत्न देने, मुरली सुनाने। इसलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रत्न देने, मुरली सुनाने। इसलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि सबसे अच्छा करैक्टर कौन सा है जो तुम इस नॉलेज से धारण करते हो। उत्तर में बाबा कहते, वाइसलेस बनना ये सबसे अच्छा करैक्टर है। तुम्हें नॉलेज मिलती है कि ये सारी दुनिया विशेष है, विशेष माना ही करैक्टरलेस। बाप आया है वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन करने। वाइसलेस देवताएं करैक्टर वाले हैं, करैक्टर सुधरते हैं बाप की याद से। ओम शांति। बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करना है। अगर पढ़ाई मिस की तो पद से भी मिस हो जाएंगे। मीठे मीठे रूहानी बच्चे कहाँ बैठे हैं? गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में। बच्चों को यह भी पता है कि हर 5000 वर्ष बाद हम इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, बाप बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। वैसे गुरु की मूर्ति अलग, बाप की अलग और टीचर की अलग होती है। यह मूर्ति एक ही है, परंतु है तीनों ही, अर्थात बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं। मनुष्य की लाइफ में ये तीन मुख्य हैं, बाप टीचर गुरु वही है। तीनों पार्ट खुद बजाते हैं। एक एक बात समझने से तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। और ऐसी त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी में बहुतों को लेकर आकर दाखिल करना चाहिए। जिस जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी होती है तो वहाँ पढ़ने वाले दूसरों को कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ो, यहाँ नॉलेज अच्छी मिलती है और करैक्टर भी सुधरते हैं। तुम बच्चों को भी दूसरों को ले आना है। माताएं माताओं को, पुरुष पुरुषों को समझाएं, देखो यह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ऐसे समझाते हैं वह नहीं, वह तो हर एक अपने दिल से पूछे। कभी अपने मित्र संबंधियों सखियों को समझाते हैं कि सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। बाप सुप्रीम देवी देवता बनाने वाला है। बाप आप समान बाप नहीं बनाते, बाकी उनकी जो महिमा है उसमें आप समान बनाते हैं। बाप का काम है परवरिश करना और प्यार करना। ऐसे बाप को ज़रूर याद करना है, उनकी भेंच और कोई से हो ना सके। भल कहते हैं गुरु से शांति मिलती है, परंतु यह तो विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे भी कोई नहीं कहेंगे कि हम सब आत्माओं का बाप हूँ। ये किसी को पता ही नहीं है कि सभी आत्माओं का बाप कौन हो सकता है। एक बेहद का बाप, जिसे हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन आदि सब गॉड फादर ज़रूर कहते हैं। बुद्धि ज़रूर निराकार की तरफ जाती है, ये किसने कहा? आत्मा ने कहा गॉड फादर, तो ज़रूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं तो वह फादर कैसे हो सकता? सारी दुनिया के बच्चों की जो आशा है वह पूर्ण करते हैं। सबकी कामना रहती है कि हम शांति धाम जाएं। आत्मा को घर याद पड़ता है, आत्मा रावण राज्य में थक गई है। अंग्रेजी में भी कहते हैं, ओ गॉड फादर लिबरेट करो। तमो प्रधान बनते बनते, पाठ बजाते बजाते शांति धाम चले जाएंगे, फिर पहले सुखधाम में आते हैं। ऐसे नहीं कि पहले पहले आकर विशेष बनते हैं, नहीं। बाप समझाते हैं, यह है वैश्यालय रावण राज्य, इसे रौरव नरक कहा जाता है। भारत में व इस दुनिया में कितने शास्त्र, कितनी पढ़ाई की पुस्तकें हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। बाप तुमको ये जो सौगात देते हैं वह कभी जलने वाली नहीं है, यह है धारणा करने की। जो काम की चीज़ नहीं होती उसको जलाया जाता है।
ज्ञान कोई शास्त्र नहीं जो जलाया जाए, तुमको नॉलेज मिलती है जिससे तुम 21 जन्म पद पाते हो। ऐसे नहीं कि इनके शास्त्र हैं जो जला देंगे, नहीं, यह ज्ञान आपे ही प्राय लोप हो जाता है, कोई पढ़ने की किताब आदि नहीं है। ज्ञान विज्ञान भवन नाम भी है, परंतु उनको पता ही नहीं कि नाम क्यों पड़ा, इसका अर्थ क्या है। ज्ञान विज्ञान की महिमा कितनी भारी है। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज जो अभी तुम धारण करते हो। विज्ञान माना शांति धाम। ज्ञान से भी तुम परे जाते हो, ज्ञान में पढ़ाई के आधार से फिर तुम राज्य करते हो। तुम समझते हो हम आत्माओं को बाप आकर पढ़ाते हैं, नहीं तो भगवानुवाच गुम हो जाए। भगवान कोई शास्त्र थोड़े पढ़कर आते हैं, भगवान में तो ज्ञान विज्ञान दोनों हैं, जो जैसा होता है वैसा बनाते हैं। यह है बहुत सूक्ष्म बातें। ज्ञान से विज्ञान बहुत सूक्ष्म है, ज्ञान से भी परे जाना है। ज्ञान स्थूल है, हम पढ़ाते हैं, आवाज होता है ना, विज्ञान सूक्ष्म है, इसमें आवाज से परे शांति में जाना होता है, जिस शांति के लिए ही भटकते हैं, सन्यासियों के पास जाते हैं। परंतु जो चीज़ बाप के पास है वह दूसरे कोई से मिल नहीं सकती है। हठ योग करते खड्डे में बैठ जाते, परंतु इससे कोई शांति मिल ना सके। यहाँ तो तकलीफ की कोई बात नहीं, पढ़ाई भी बहुत सहज है। 7 रोज़ का कोर्स उठाया जाता है, 7 रोज़ का कोर्स करके फिर भल कहाँ भी बाहर चला जाए, ऐसे और कोई जिस्मानी कॉलेज में कर ना सके। तुम्हारे लिए कोर्स ही ये 7 रोज़ का है, सब समझाया जाता है, परंतु 7 रोज़ कोई दे ना सके। बुद्धियों कहाँ ना कहाँ चला जाता है। तुम तो भट्टी में पड़े कोई की शक्ल नहीं देखते थे, कोई से बात नहीं करते थे, बाहर भी नहीं निकलते थे, तपस्या के लिए सागर के कंठे पर जाकर बैठते थे याद में। उस समय यह चक्र नहीं समझा था, यह पढ़ाई नहीं समझते थे। पहले पहले तो बाबा से योग चाहिए, बाप का परिचय चाहिए, फिर पीछे टीचर चाहिए। पहले तो बाप के साथ योग कैसे लगाएं यह भी सीखना पड़े, क्योंकि यह बाप है अशरीरी। दूसरे तो कोई मानते ही नहीं, कहते हैं गॉड फादर ओमनी प्रेजेंट है, बस सर्वव्यापी का ज्ञान ही चला आता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में वह बात नहीं है, तुम तो स्टूडेंट हो। बाप कहते हैं अपना धंधा आदि भी भल करो, परंतु क्लास जरूर पढ़ो, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। अगर कहते स्कूल में नहीं जाना है तो फिर बाप भी क्या करे। अरे भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने, भगवान उवाच कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो क्या भगवान से राजयोग नहीं सीखेंगे? ऐसे कौन ठहर सकेंगे। इसलिए ही तुम्हारा भागना हुआ, विष से बचने के लिए भागे। तुम आकर भट्टी में पड़े, जो कोई देख न सके, मिल न सके, कोई को देखते ही नहीं थे, तो फिर दिल किससे लगाएं। यह बच्चों को निश्चय भी है कि भगवान पढ़ाते हैं, फिर भी बहाना करते हैं, बीमारी है, ये काम है। बाप तो बहुत शिफ्ट दे सकते हैं, आजकल स्कूल में शिफ्ट बहुत देते हैं। यहाँ कोई जास्ती पढ़ाई तो है नहीं, सिर्फ अल्फ और बे को समझने के लिए बुद्धि अच्छी चाहिए। अल्फ और बे याद करो, सभी को बताओ। त्रिमूर्ति तो बहुत बनाते हैं, परंतु ऊपर में शिव बाबा दिखलाते नहीं, यह थोड़ी समझते हैं। गीता का भगवान शिव है, जिस द्वारा ये नॉलेज लेकर विष्णु बनते हैं, राजयोग है ना। तो अभी यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, कितनी सहज समझानी है। किताब आदि तो कुछ भी हाथ में नहीं है, सिर्फ एक बैज हो, उसमें भी सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र हो, जिस पर समझाना है कि बाप कैसे ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई पढ़ाकर विष्णु समान बनाते हैं। कई समझते हैं कि हम राधे जैसा बने, कलश तो माताओं को मिलता है, गोया राधे को बहुत जन्मों के अंत में उनको कलश मिलता है। यह राज भी बाप ही समझा सकते हैं, और कोई मनुष्य मात्र जानते नहीं। तुम्हारे पास सेंटर पर कितने आते हैं? कोई तो एक रोज़ आते, 4 रोज़ नहीं, तो पूछना चाहिए इतने रोज़ तुम क्या करते थे। बाप को याद करते थे, स्वदर्शन चक्र फिराते थे। जो बहुत देरी से आते हैं उनसे लिखकर भी पूछना चाहिए,
कोई बदली होकर जाते हैं, फिर भी कोई सेंटर का तो ज़रूर है। उनको मंत्र मिला हुआ है, एक बाप को याद करना है और चक्र को फिराना है। बाप ने तो बहुत सहज बात बताई है, अक्षर ही दो हैं, मन मना भव, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, इसमें सारा चक्र आ जाता है। जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं फलाना स्वर्ग गया, परंतु स्वर्ग क्या है किसी को पता नहीं है। अभी तुम समझते हो वहाँ तो राजाई है, ऊंच से लेकर नीच तक, साहूकार से लेकर गरीब तक सब सुखी होते हैं। यहाँ है दुखी दुनिया और वहाँ है सुखी दुनिया। बाप समझाते तो बहुत अच्छा है, भल कोई दुकानदार हो व क्या भी हो, पढ़ाई के लिए बहाना देना अच्छा नहीं लगता है। नहीं आते हैं तो उनसे पूछना है कि तुम कितना बाप को याद करते हो, सुदर्शन चक्र फिराते हो, खाओ पियो घूमो फिरो, उनकी कोई मना नहीं है। इसके लिए भी टाइम निकालो, औरों का भी कल्याण करना है। समझो कोई का कपड़े साफ करने का काम है, बहुत लोग आते हैं, भल मुसलमान है व पारसी हैं, हिंदू हैं, बोलो तुम स्थूल कपड़े धुलाते हो, परंतु यह तो तुम्हारा शरीर है, यह तो पुराना मैला वस्त्र है। आत्मा भी तमो प्रधान है, उनको सतो प्रधान स्वच्छ बनाना है। यह सारी दुनिया तमो प्रधान पतित कलयुगी पुरानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए लक्ष्य है ना, अब करो ना करो, समझो ना समझो, तुम्हारी मर्जी। तुम आत्मा हो ना, आत्मा जरूर पवित्र होनी चाहिए। अभी तो तुम्हारी आत्मा इम्प्योर हो गई है, आत्मा और शरीर दोनों मैले हैं। उनको साफ करने के लिए तुम बाप को याद करो तो गारंटी है तुम्हारी सोल एकदम 100% पवित्र सोना बन जाएगी। फिर जेवर भी अच्छा बनेगा, मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। यह भी कितनी सर्विस हुई, डॉक्टर पास जाओ, कॉलेजों में जाओ, बड़ों बड़ों को जाकर समझाओ कि करैक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ तो सब है करैक्टरलेस, बाप कहते हैं वाइसलेस बनना है, वाइसलेस दुनिया थी ना, अभी विशेष है अर्थात करैक्टरलेस है, करैक्टर बहुत खराब हो गए हैं, वाइसलेस बनने के बिना सुधरेंगे नहीं। यहाँ मनुष्य है ही कामी, अभी विशेष दुनिया से वाइसलेस वर्ल्ड एक बाप ही स्थापन करते हैं, बाकी पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। यह चक्र है ना, इस गोले में समझानी बहुत अच्छी है। ये वाइसलेस वर्ल्ड थी जहाँ देवी देवता राज्य करते थे, अभी वो कहाँ गए। आत्मा तो विनाश होती नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, देवी देवताओं ने भी 84 जन्म लिए हैं, अभी तुम सयाने बने हो, आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। अब ये पुरानी दुनिया कितनी गंदी है, तुम फील करते हो बाबा जो कहते हैं वह तो बरोबर ठीक है, वहाँ तो है ही पवित्र दुनिया। यह पवित्र दुनिया ना होने के कारण अपने पर देवता के बदले हिंदू नाम रख दिया है, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कह देते हैं, देवताएं हैं स्वर्ग में। अभी तुम इस चक्र को समझ गए हो, जो जो सेंसिबल हैं वो अच्छी रीति समझते हैं, तो जैसे बाप समझाते हैं ऐसे फिर बैठ रिपीट करना चाहिए, मुख्य मुख्य अक्षर नोट करते जाओ, फिर सुनाओ, बाप ने ये पॉइंट सुनाई है, बोलो मैं तो गीता का ज्ञान सुनाता हूँ, यह गीता का ही युग है, 4 युग हैं ये तो सब जानते हैं, यह है लीप युग, इस संगम युग का किसी को भी पता नहीं है, तुम जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए क्या किया ये जानते नहीं। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती और फिर राम जयंती, जगदम्बा जगत पिता की जयंती तो कोई मनाते नहीं, सब नंबरवार आते हैं ना। अभी तुमको ये सारी नॉलेज मिलती है, अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा जी को तलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते, ओम शांति, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है
हमारा बाप सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु है। ये बात सबको सुनानी है, अल्फ और बे की पढ़ाई पढ़ानी है। और सेकंड पॉइंट है, ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और विज्ञान अर्थात आवाज़ से परे शांति में जाना है। 7 रोज़ का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी रहते पढ़ाई करनी है। बाबा ने आज वरदान दिया, सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्नचित रहने वाले अभिमान मुक्त भव। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है। जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है, लेकिन ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है क्योंकि कच्चा फल खा लिया। कई बच्चे सोचते हैं कि सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए, लेकिन यह मान नहीं अभिमान है। जहाँ अभिमान है वहाँ प्रसन्नता नहीं रह सकती, इसलिए अभिमान मुक्त बन सदा प्रसन्नता का अनुभव करो। स्लोगन है, परमात्मा प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। परमात्मा प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। ओम शांति।